आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वर्लपूल की 7.5 केजी की टॉप लोडेड वाली ब्लूम वॉश वॉशिंग मशीन की टब क्लीनिंग। तो मैं किस तरीके से अपनी वॉशिंग मशीन की क्लीनिंग करती हूँ आज के इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। तो चलिए देख लेते हैं आज का ये वीडियो। हाय गाइज, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो ये मैंने अमेज़ोन से मंगाया है ऑटोमिक डीप क्लीनिंग वॉशिंग मशीन क्लीनर। तो ये जो पाउडर है, इससे हम अब करेंगे अपनी वॉशिंग मशीन का जो टब होता है उसकी क्लीनिंग हम कैसे कर सकते हैं घर पर बिना किसी को बुलाए। क्योंकि जब भी अगर हम वॉशिंग मशीन क्लीन करते हैं तो जो कंपनी वाले होते हैं वो लोग आके क्लीन करके जाते हैं, तो आपको किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही घर पर कर सकते हो। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप परचेस कर सकते हैं। और ये पाउडर जो है वो हर मशीन पे चल जाती है, चाहे वो LG की वॉशिंग मशीन हो, गोदरेज हो, IFB की हो, सैमसंग हो। तो इसमें पूरा डिटेल आपको पढ़ने को मिलेगा। तो मैं आपके साथ इस पाउडर का जो है, इससे मैं क्लीनिंग कैसे करती हूँ, इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जो हमारा टब होता है, क्लीन करते कर मतलब कपड़े धोते धोते गंदगी तो हो जाती है, और हर 6 महीने में अगर आप अपनी वॉशिंग मशीन को क्लीन रखेंगे तो आपकी वॉशिंग मशीन काफ़ी सालों साल चलेगी। तो इस डब्बे के अंदर हमें 3 पाउच मिलेंगे, जो कि हमको अगर आप हर 6 महीने में वॉशिंग मशीन धोते हो तो आपको 3 पाउच ये 1.5 साल के लिए इनफ होता है। अगर आप कम कपड़े धोते हैं तो आपका आराम से आप 1 साल में भी एक पाउडर यूज़ करते हो तो आपका 3 साल के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये आपके कपड़े कितना आप वॉशिंग मशीन पे धोते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरे कपड़े ज़्यादा निकलते हैं तो मुझे 1.5 साल में ये 3 पैकेट लग जाते हैं। तो चलिए चलते हैं वॉशिंग मशीन की तरफ। तो ये है मेरा वर्लपूल का 7.5 केजी का वॉशिंग मशीन टॉप लोडेड वाला। तो यहाँ पर सारे ऑप्शन जैसे कि दिए होते हैं, तो अगर आपके पास वर्लपूल का वॉशिंग मशीन है तो सारे फंक्शन एक जैसे ही रहते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले दिखा देती हूँ किस तरीके से हमें अपनी मशीन को क्लीन करना है। तो सबसे पहले जो इसके कोने होते हैं, चाहे वो ट्रे हो, सर्फ जहाँ रख डालते हैं हम, और हर जगह पे गंदगी इस तरीके से जमा हो जाती है, चाहे टब के आसपास हो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक गीला कपड़ा लेना है, और गीला कपड़ा लेकर सबसे पहले हम करेंगे टब की क्लीनिंग। जितनी भी धूल मिट्टी इसमें जमा होती है उन सब को हम पहले अच्छे से कर लेंगे क्लीन। क्लीन करने के लिए आप कोई कॉटन का कपड़ा यूज़ करें, चाहे इस तरीके का स्पंज यूज़ करें। कपड़ा ऐसा होना चाहिए कि ये हर कोने में अच्छे से चला जाए, और गीले कपड़े से अगर हम करते हैं तो धूल जो होती है वो इसमें चिपक कर आ जाती है। तो इस तरीके से हमें पूरे जो टब के आसपास, चाहे वो हर कोने में, हमें इस तरीके से क्लीन कर लेना है। तो गाइज़, यहाँ पर मैंने पूरा क्लीन कर लिया है चारों तरफ से इसको, और आप देख सकते हो पूरा अच्छे से क्लीन हो गया है। मैंने 3 बार गीले कपड़े से इसको अच्छी तरीके से क्लीन किया है, और क्लीन करने के बाद अब हम करेंगे इसकी टब की क्लीनिंग। तो सबसे पहले मैं मशीन को करती हूँ ऑन, पावर का बटन दबाकर। उसके बाद यहाँ पर ऑन हो जाएगा, ऑन होने के बाद हमें करना है प्रोग्राम सेट। तो 12 नंबर पर जो वॉश ओनली लिखा हुआ है तो हमें वो प्रोग्राम सेट करना है। तो यहाँ पर 12 नंबर पे मैंने इसे कर दिया सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद अब मैं इसका जो वाटर लेवल है उसको 10 नंबर पे मतलब पूरा फुल करना है हमें। तो वाटर लेवल का भी पूरा उसको भी सिलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद हम हॉट वॉश जो लिखा हुआ है, जहाँ पे हमें गर्म पानी मिलेगा, क्योंकि इसे धोने के लिए, टब को धोने के लिए हमें गर्म पानी चाहिए, तो हॉट वॉश का भी सिलेक्ट कर लूँगी। करने के बाद स्टार्ट का बटन दबा देंगे। दबाने के बाद ये आपको सर्फ का क्वांटिटी बताएगा या लिक्विड की क्वांटिटी बताएगा कि आपको 1.5 कप, अब मुझे ये 1.5 कप दिखा रहा है। तो यहाँ पर हम सर्फ या लिक्विड नहीं डालेंगे, तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ जो पाउडर हमने क्लीनिंग वाला मंगाया है ऑटोमिक का, वो पूरा 1 पाउच इसके अंदर हम डाल देंगे। डालने के बाद इसे कर देंगे बंद, और मशीन को
पूरा बंद करके स्टार्ट का बटन दबा देंगे और स्टार्ट होने के बाद ये टाइमिंग दिखा देगा। तो यहाँ पर मेरे को 52 मिनट का टाइमिंग दिखाया और इसको कर दूंगी स्टार्ट। तो गाइस 52 मिनट्स हो चुके हैं। अब आपको मैं मशीन खोलकर दिखाती हूँ कि अंदर की कंडीशन क्या है। तो ये मैंने ढक्कन खोला, पूरा टब फुल भरा हुआ है और पूरा गंदे पानी से, जो हमारी वॉशिंग मशीन के अंदर जितनी भी गंदगी थी वो यहाँ पर आ चुकी है। पानी हमारा बिल्कुल काला हो चुका है और इसको मैं एक घंटे के लिए इसी तरीके से छोड़ दूंगी, वॉशिंग मशीन का जो बटन है, स्विच बटन है, उसको ऑफ करके। एक घंटे बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ वॉशिंग मशीन की कंडीशन क्या है। तो ये देखिए, पानी धुंधला का धुंधला वैसा ही रखा हुआ है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से पावर का बटन दबाएंगे, स्विच ऑन करेंगे, पावर का बटन दबाएंगे और प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पावर का बटन दबा दिया और यहाँ पर प्रोग्राम दिए हुए हैं। तो मुझे चाहिए इको वॉश, तो P9 पर इको वॉश दिखा रहा है, उस प्रोग्राम को करूँगी मैं सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कर दूँगी स्टार्ट। अब यहाँ पर हमें क्वांटिटी दिखा रहा है, सर्फ या लिक्विड जो भी आप यूज़ करते हैं वो हमें डालना है। तो पानी जो था टब में वो पूरा हमने ड्रेन हो चुका है, जैसे ही हमने स्टार्ट किया था तो सेकंड के अंदर ही वो ड्रेन हो गया। ड्रेन होने के बाद अभी मैंने ट्रे में डाल दिया 1 कप लिक्विड। अब उसके बाद इसे फिर से ढक्कन बंद कर दिया और स्टार्ट अपने आप हो गया है ये। तो ये देखिए, ये 27 मिनट का टाइमर दिखा रहा है और मैं आपको बीच में दिखाती हूँ, ये पूरा टब भर चुका है फिर से पानी से और सर्फ के जो हमने लिक्विड डाला था उससे। आपके पास सर्फ है तो आप सर्फ भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि लिक्विड ही यूज़ करना है। तो यहाँ पर पूरा क्लीन होने के बाद मैं अब आपको दिखाती हूँ 27 मिनट के बाद। तो गाइस 27 मिनट हो चुके हैं, अब आपको दिखाती हूँ हमारी जो वॉशिंग मशीन है कितनी क्लीन है। ये देखिए, टब बिल्कुल चमचमाती हुई, कितनी क्लीन लग रही है। तो गाइस ये था इस वीडियो में वर्लपूल वॉशिंग मशीन किस तरीके से क्लीन कर सकते हैं आप बिना किसी को घर पे बुलाए। तो गाइस आपके पास भी इसी तरह की वर्लपूल की वॉशिंग मशीन है तो आप इस तरीके से क्लीन कर सकते हो घर पर ही। अमेज़ॉन से जो मैंने प्रोडक्ट मंगवाए हैं उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चाहें तो मंगवा के आप इस तरीके से अपने वॉशिंग मशीन को क्लीन कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा आप सबके जिनके पास ये वर्लपूल की वॉशिंग मशीन है। तो इसी तरीके का वीडियो लेके या कोई दूसरे वीडियोस लेके फिर से मैं मिलूँगी मुनमुन। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे वीडियोज़ देखते रहिए। बाय एंड टेक केयर।